हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो अपना स्टार्ट करते लास्ट सैंपल टेस्ट का, इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन का पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बता दिया है, सही कि नहीं? तो अभी हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन के ऊपर सम सॉल्व करते हैं। याद रहेगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। मैंने बताया था कि हम लोग को इंटरवल एस्टिमेशन में जो जनरल फॉर्मूला है, इंटरवल एस्टिमेशन का जनरल फॉर्मूला ये है। क्या है जनरल फॉर्मूला? एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा इंटू सिग्मा एक्स। ओके ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला। व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज सैंपल मीन, क्योंकि इंटरवल एस्टिमेशन में हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं इंटरवल किसका, पॉपुलेशन मीन का। तो पॉपुलेशन मीन नहीं है, एक्स बार इज योर सैंपल मीन, एक्स बार इज योर सैंपल मीन, एक्स बार इज योर सैंपल मीन, याद रखो प्लीज। ओके हाँ, वैसे क्वेश्चन में एक ही मीन दिया रहता है ज्यादातर, तो वो तुम्हारा एक्स बार ही रहेगा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मालूम होना चाहिए। समझ में, किसी के सामने खड़े रह गए, कोई पूछ लिया एक्स बार सैंपल मीन है कि पॉपुलेशन मीन है, तो ऐसा क्या है, पॉपुलेशन है कि सैंपल है? नहीं, हम लोग पॉपुलेशन का एस्टिमेट निकाल रहे हैं, मतलब एक्स बार इज अवर सैंपल मीन। ओके चलो ठीक है, ध्यान देना। जेड अल्फा इज योर क्रिटिकल वैल्यू, जेड अल्फा इज योर क्रिटिकल वैल्यू। तो देखो सिर्फ तुम्हें याद रखना है 90, 95, 98, 99। 90 रहेगा तो जेड अल्फा की वैल्यू 1.64, 95% अगर कॉन्फिडेंस बोला रहेगा तो 1.96, 98% बोला रहेगा तो 2.33, और 99% बोला रहेगा तो 2.58। समझ में आ रहा है? क्या याद रखना है? एक्स बार बता दिया, जेड अल्फा बता दिया, सिग्मा एक्स। व्हाट इज सिग्मा एक्स? सिग्मा एक्स ओके चार होते हैं, चार। और इस वीडियो में मैं तीन सिग्मा एक्स कराऊंगा, और अगले वीडियो में मैं एक सिग्मा एक्स कराऊंगा। मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन हमें पता है, ओके तो सिग्मा एक्स कैसे मिलेगा? सिग्मा अपॉन रूट एन, वेयर सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है? ये मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? मैंने एक और बताया था, अगर तुम्हें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, एक एस्टिमेट दिया है, तो उसके लिए एस अपॉन रूट एन, लास्ट वीडियो में बताया था, वो भी मैं इस वीडियो में करा दूंगा। समझ, मतलब वो और ये सेम ही है। ये जो सेकंड वाला है कि तुम्हें x1 x2 xn, ये तुम्हें सैंपल वैल्यूज दिए, ये सैंपल वैल्यूज दिए, तो तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला, ये वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो का साइज बढ़ जाएगा, तुम लोग छोड़ के चले जाओगे, बोलोगे कि इतना वीडियो इतना बड़ा मैं नहीं देखूंगा। समझ रहे? ये मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके बाद वाले वीडियो में। ओके और अगर सैंपल बड़ा रहेगा, मतलब 30 से बड़ा रहेगा, अगर 30 से छोटा रहेगा तो हम लोग स्मॉल सैंपल टेस्ट करते हैं, बट अगर 30 से बड़ा रहेगा और हम लोग को सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा, तो हम लोग एस अपॉन रूट एन यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो सारे सम में, सारे में मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लूंगा, ये यहीं पे रहने दूंगा, इसको मैं रफ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा काफी है मुझे सम सॉल्व करने के लिए। ओके तो इस वीडियो में मैं तीन से चार सम कराने वाला हूँ, बट जो ये वाला टाइप है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके ध्यान देते रहना, समझेगा गारंटी, बस देखते रहो। चलो ठीक है, तो व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन? फॉर्मूला मालूम है, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा इंटू सिग्मा। सैंपल ऑफ साइज 100 इज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन, फ्रॉम ए पॉपुलेशन, मतलब सैंपल ड्रॉ किया, सैंपल का साइज कितना है? 100। वेरी गुड, सैंपल साइज 100 है, मतलब तुम लोग ने सही सोचा, जिसने भी नहीं सोचा, योर एन इज सैंपल साइज, एन इज 100। ओके ड्रॉन फ्रॉम ए पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन क्या है? सिग्मा, सिग्मा इज 10। देखो पहला टाइप, समझ में आ रहा है? इफ द सैंपल मीन इज 62.15, सैंपल मीन दिया है, सैंपल मीन इज 62.15, मतलब एक्स बार है 62.15। समझ में आ रहा है? तुम्हें निकालना है 99% कॉन्फिडेंस लिमिट, और 99% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए जेड अल्फा कितना है? 2.58। समझ में आ रहा है? जेड अल्फा है 2.58। समझ में आ रहा है? बस आ गया आंसर, बट तुम्हें सिग्मा एक्स निकालना है, सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार कैसे मिलेगा? सिग्मा एक्स बार जो रहेगा तुम्हारा, सिग्मा एक्स बार क्या है तुम्हारा? सिग्मा एक्स बार है तुम्हारा सिग्मा अपॉन रूट एन। देखो जब स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता रहता है तो सिग्मा अपॉन रूट एन। तो बताओ व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा कितना है जल्दी बताओ? सिग्मा इज 10। देखो ड्रॉन फ्रॉम ए पॉपुलेशन एस डी इज 10। ओके हाँ, सिग्मा कितना है? 10 है। और व्हाट इज अवर रूट एन? रूट एन इज रूट ऑफ 100, और 10/√10 मतलब 10/√100, √100 इज 10, तो 10/10 आंसर इज 1। कैलकुलेटर में डाल दो, नहीं समझा तो तुम्हें समझ जाएगा। ओके अब मुझे बताओ कि फॉर्मूला क्या है कॉन्फिडेंस लिखने का? 99% कॉन्फिडेंस लिमिट इज, 99% कॉन्फिडेंस लिमिट इज एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा इंटू सिग्मा एक्स बार। ओके अब व्हाट इज अवर एक्स बार? एक्स बार क्या जल्दी बताओ? एक्स बार है 62.15 प्लस माइनस जेड अल्फा, जेड अल्फा कितना है मैंने लिखा, जेड अल्फा है 2.58।
2.58, लेट मी चेक, यस 2.58, ओके। इसके बाद सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स है 1, बस एक बार 62 में 62.15 में 2.58 ऐड करो और एक बार माइनस करो, क्योंकि 2.58 इंटू 1 करोगे तो आंसर तो 2.58 ही आएगा ना मेरा भाई। चलो ठीक है, ध्यान दो, तो 62.15 में से मैं 2.58 माइनस कर रहा हूँ, आंसर कितना आ गया, आंसर आया 59.57। ये अपना लोअर लिमिट है, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है, और देखो फिर से पूरा टाइप नहीं करने का, तुम कैलकुलेटर में ना बस माइनस के जगह पे प्लस कर दो, तुम्हें आगे का आंसर मिल जाएगा 64.73, तुम्हारा क्या है अपर लिमिट है। आई होप तुम्हें ये सब समझ गया रहेगा। अभी हम लोग सेकेंड टाइप का सम करते हैं, हाँ ध्यान देते रहना। चलो ध्यान देना सेकेंड सम, हाँ सेकेंड सम एक ट्विस्ट है, सम करेंगे समझ जाएगा। हाँ देखो मैं तुमको पहले ही बोला था ये मैं हटाने वाला नहीं हूँ, ये यहीं पे रहने वाला, हाँ ये मैं नहीं हटाऊंगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, सब यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, फटाफट फटाफट तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। हाँ ध्यान देना, एक रैंडम सैंपल है जिसका साइज 100, वेरी गुड, रैंडम सैंपल का साइज 100 एंड इज इक्वल टू 100, शाबाश। जिसका मीन है 15, सैंपल का मीन है 15, हैज मीन 15, सैंपल का मीन 15 है, मतलब एक बार 15। अरे क्वेश्चन रीड करते करते ही सब डेटा मिल जाता है यार। पॉपुलेशन वेरिएंस है 25, पॉपुलेशन वेरिएंस है 25, ओके। मैं यहाँ पे पटेल बन जाऊंगा, तुम लोग को सारे स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन करा दूंगा और एग्जाम में पॉपुलेशन वेरिएंस आ जाएगा। तुम सीख के गए खुश हो के कि सर हमने तो सब किया है, बट एग्जाम में जाके खुश, तो इसके लिए ये सम कराना था, ओके। पॉपुलेशन वेरियंस तुम्हें दिया, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया तुम्हें, पॉपुलेशन का वेरियंस दिया, पॉपुलेशन का वेरियंस दिया मतलब हम लोग को सिग्मा स्क्वायर दिया, सिग्मा स्क्वायर कितना है 25। तो अगर पॉपुलेशन का वेरियंस दिया है तो अगर तुमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ एक चीज समझना है, क्या पॉपुलेशन का अगर वेरियंस दिया है ना तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, सिग्मा स्क्वायर का रूट लो, सिग्मा स्क्वायर का रूट क्या होगा सिग्मा, तो सिग्मा क्या होगा 5, बस खत्म, पॉजिटिव पॉजिटिव रूट, समझ में आ रहा है, ओके 5। फाइंड द इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, तुम्हें पॉपुलेशन मीन का इंटरवल एस्टिमेट निकालना है, मतलब म्यू का निकालना है, समझ में आ रहा है, ओके, विद कॉन्फिडेंस लेवल 95%, ओके। तो मेरे पास एक्स बार है 15, सिग्मा है मेरे पास 5, ओके। अब मुझे क्या निकालना है, सिग्मा एक्स निकालना है, सही कि नहीं, क्योंकि फॉर्मूला एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा सिग्मा एक्स बार है ना, तो मुझे सिग्मा एक्स बार निकालना है। सिग्मा एक्स बार क्या है जल्दी बताओ, सिग्मा एक्स बार क्या है, सिग्मा अपॉन रूट एन, व्हाट इज अवर सिग्मा 5 अपॉन रूट एन, रूट एन कितना होता है रूट 100, ओके। तो रूट 100 बोले तो 10, 5/10, और 5/10 क्या होता है 0.5, 5/10 है 0.5, रूट 100 क्या होता है 10 होता है, और 5/10 कितना होता है 0.5। अब इसके बाद ध्यान देना अपना जेड अल्फा क्रिटिकल वैल्यू 95% के लिए कितना है 1.96, तो अपना जेड अल्फा कितना है 1.96, जेड अल्फा कितना है 1.96। चलो ध्यान देना, तो अपना फॉर्मूला क्या है, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा इंटू सिग्मा एक्स बार, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा इंटू सिग्मा एक्स बार, व्हाट इज अवर एक्स बार, एक्स बार इज अवर सैंपल मीन, सैंपल मीन कितना है 15 है, प्लस माइनस, प्लस माइनस जेड अल्फा कितना है, जेड अल्फा है 1.96, जेड अल्फा कितना है 1.96, 95% के लिए जेड अल्फा है 1.96। सिग्मा एक्स बार हम लोग ने निकाला है, सिग्मा एक्स बार कितना है 0.5, सिग्मा एक्स बार कितना है 0.5, क्योंकि तुम्हारा सिग्मा अपॉन रूट एन फॉर्मूला है ना, तो सिग्मा तुम्हारा क्या है 5 है, और तुम्हारा 100 का रूट, 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, ओके। तो ध्यान देना 15 प्लस माइनस 1.96 इंटू 0.5, तो पहले क्या करो, कैलकुलेटर है ना भरपूर यूज करो, समझ में आ रहा है, क्योंकि 12th तक ये होता नहीं है, तुम लोगों इंजीनियरिंग में है या ग्रेजुएशन बीकॉम वगैरह में, तो कैलकुलेटर अलाउड है। क्या करने का, 15 पहले माइनस निकालो लोअर लिमिट 1.96 इंटू 0.5, आंसर आ गया 14.02, ये तुम्हारा लोअर लिमिट है, और तुम्हारा अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है तुम्हारा 15.98, दैट्स ऑल। समझ में आया, कितना चिंदी समय, 2 मिनट लगते हैं सम सॉल्व करने के लिए, समझ में आ गया। तो ध्यान देना, तो कैसे किया मैंने, पहले पॉपुलेशन सैंपल मीन निकाला, इसके बाद मेरे को वेरियंस दिया था, तो वेरियंस से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, इसके बाद मुझे सिग्मा एक्स बार 5/0.5, और इसके बाद जेड अल्फा क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिया, और सब पुट किया, मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर में डाल दिया 15, चलो ठीक है करेक्ट आंसर, ओके। अभी हम लोग थर्ड सम करते हैं, पे अटेंशन, थर्ड सम लास्ट सम, क्या बोला है, मेजरमेंट ऑफ वेट्स ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 200 बॉल बियरिंग, 200 बॉल बियरिंग का रैंडम सैंपल था, मेड बाय मशीन ड्यूरिंग 1 वीक, एक हफ्ता अपने लिए कुछ रेलेवेंट नहीं है, अपने को क्या देखना है, तू मत मुझे ये बता, क्वेश्चन देखा ना तो अपने आप से पूछने का, इसमें से मुझे एन निकालना है, इसमें से मुझे मीन निकालना है, एक्स बार निकालना है, सैंपल मीन, और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ओके। तो 200 बॉल बियरिंग मेड बाय मशीन ड्यूरिंग 1 वीक शोड मीन ऑफ 0.824,
मतलब बॉल बेयरिंग का जो ये निकाला एक वीक में, मेन कितना आ रहा है 0.824 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 0.042। ओके, तो मीन एक्स बार कितना है 0.824, समझ में आ रहा है। तुम्हारा एन कितना है, एन है तुम्हारा 200, 200 सैंपल था ना बॉल बेयरिंग का, और इसके बाद तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा स्मॉल एस, क्यू स्मॉल एस, लार्ज सैंपल टेस्ट, सैंपल तुम्हारा 30 से बड़ा है। ओके, और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे जब मैं वीडियो करा रहा हूँ ना, ये लार्ज सैंपल टेस्ट का वीडियो तुमने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ सर लार्ज सैंपल टेस्ट का ही वीडियो कराएंगे, बट एग्जाम में ना वो तुम्हें बोलेगा नहीं कि वो लार्ज सैंपल है कि स्मॉल सैंपल है, समझे मेरा भाई। तो ये जब 30 से बड़ा रहेगा ना तुम्हारा सैंपल, तो लार्ज सैंपल हो जाता है ऑटोमेटिकली। और मैं सब स्मॉल सैंपल का अलग से पूरा सीरीज बनाऊंगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो उसमें सारे सैंपल 30 से छोटे रहेंगे। प्लीज इतना सा चीज ना अपने दिमाग में रख लो, फिट कर लो, समझ में आ रहा है मुझे। स्टैटिस्टिक्स, हाँ ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, मुझे स्टैटिस्टिक्स में करियर नहीं बनाना है। अगर तुम इंजीनियर ये वीडियो देख रहे हो तो ये नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए, समझ में आ रहा है। नहीं तो सिर्फ सम सॉल्व करके आ गए, पास हो गए, उसका कुछ वैल्यू नहीं। ओके, ध्यान दो, अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, ध्यान दो। तो अपना स्मॉल एस कितना है 0.042, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये वाला टाइप, मैंने फर्स्ट टाइप करा दिया, मैंने ये वाला टाइप करा दिया। ओके, अब तुम बोलोगे सर आपको ये टाइप कराना है, तो मैं ये टाइप बोला ही था, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो देखते रहना, आपको ये वाला टाइप करा दूं, क्योंकि इसका बहुत सम बड़ा है तो इधर पे ऐड करके ना जबरदस्ती मतलब नहीं है। ओके, तो क्या बोला, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट। अभी एग्जाम में ना ध्यान देना, तो कभी कभी ना तुम्हें कॉन्फिडेंस लिमिट की जगह पे फिड्यूशियल लिमिट बोलते हैं, फिड्यूशियल, FIDUCIAL, हाँ, तो वो भी सेम होता है, कॉन्फिडेंस लिमिट बोलो, फिड्यूशियल लिमिट बोलो, सेम है। 95% के लिए जेड अल्फा कितना है, 95% के लिए जेड अल्फा है 1.96। अब मुझे बताओ सैंपल अगर लार्ज रहेगा मतलब 30 से बड़ा, तो तुम्हें सैंपल का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा, पॉपुलेशन का नहीं दिया रहेगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया रहेगा, तो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या है, जो तुम्हारा स्मॉल एस अपॉन रूट एन। ओके, स्मॉल एस अपॉन रूट एन, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। स्मॉल एस कितना है 0.042 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 200, हाँ ध्यान देना, तो 0.042 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 200। ओके, शिफ्ट ENG दबाओ। ओके, तो आंसर आ गया 0.002969, आगे आगे आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स 0.002969 आ गया। अब इसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है, तो इंटरवल का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा, जेड अल्फा इंटू सिग्मा एक्स बार। तुम्हें सारे वैल्यूज मालूम है, पुट करो मेरा भाई। ओके, व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार इज 0.824 प्लस माइनस व्हाट इज जेड अल्फा, जेड अल्फा कितना है 1.96 है ना, तो 1.96 का मतलब 95% का जेड अल्फा कितना है 1.96, करेक्ट लिखा था, फुकट में रफ कर दिया, 1.96 इंटू, अब सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया ठीक है अपने तसल्ली के लिए, बट मैं ये वैल्यू में फिर से यूज नहीं करूंगा। अरे ये बहुत ज्यादा डिजिट्स के नंबर है ना, तो मैं इससे अच्छा ये पूरा यहाँ पे फुट कर देता हूँ, और एक साथ में फुट कर दूंगा इक्वेशन, और मुझे तो आंसर मिल ही जाएगा। नहीं तो अगर तुम्हें एक साथ नहीं फुट करना, तो अलग से निकाल के मल्टीप्लाई करो, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये पूरा यहाँ पे फुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 0.042 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब तुम्हें सिर्फ इक्वेशन बनाना है, बस आंसर निकालना है, सही कि नहीं, क्योंकि ये राउंड ऑफ करने से अच्छा सीधा यहीं पे पुट कर दो। बट हाँ अगर तुम्हारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो अलग अलग वैल्यू निकालो, और तुम यहाँ पे ये मत पुट करो, ये पुट करो, क्योंकि जब तुम ये पुट करोगे ना, तुम्हें इतना एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा, ध्यान देना। तो 0.824 पहले लोअर लिमिट निकालते हैं, माइनस 1.96 इंटू 0.042 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 200। ओके, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 0.8181, ये तुम्हारा लोअर लिमिट है। अपर लिमिट के लिए तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना है, माइनस को कैंसिल करो, डिलीट करो और प्लस दबा दो, आंसर कितना आ गया 0.8298, मतलब जो तुम्हारा पॉपुलेशन मीन है उसका तुम्हारा एस्टिमेट आया 0.8181 और 0.8298। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो समझा रहेगा, अगर कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। प्लस जो मैं ये वाला वीडियो है, अगर तुम्हें सैंपल साइज नहीं दिया रहेगा, तुम्हें स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया रहेगा, तुम्हें X1 X2 वैल्यूज दिए रहेंगे, तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।